नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर हापुड़ से है, जहां आज विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर हम सभी भारत को टीबी मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। हापुड़ डीएम अनु सिंह, हापुड़ सीएमओ रेखा शर्मा, टीबी मुक्त भारत तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति क्षय रोग के प्रति जागरूक हो। टीबी के लक्षण आने पर तत्काल जांच कराई जाए। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान एसएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर वेद प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर केपी सिंह, डॉक्टर जेपी त्यागी, डॉक्टर आनंद प्रकाश, डॉक्टर अंजना सक्सेना जिला अस्पताल से, डॉक्टर सीएमओ रविंद्र वर्मा और सुनील चौधरी आदि स्वास्थ्य विभाग में मौजूद रहे। खबर गुरदासपुर से है, जहां दीनानगर पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में वाहन छीनकर भागे चार लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें इन लुटेरों के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ जी सर, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज, जेडी बंदे पड़े ओदे बारे ਦੱਸ ਕੇ। हाँ जी, ये साढ़े मानयोग SSP श्री नानक सिंह जी, IPS SSP साहब गुरदासपुर के दिशा निर्देशों के उत्ते एक जी 27/2/22 जिहड़ा मदई वारस मसीह जिहड़ा पिंड नक्की आ थाना तारानगढ़, उन्हें दस्या सी वी मैं घरोटा मोड़ ते अपनी सेंटरों कार जा रहा है, तो अणपछाते बंदियां ने उहदी जिहड़ी आ मतलब कार जिहड़ी आ उत्थों खो ली सी, ते जिहदे संबंध विच जिहड़ा वा SSP साहब दे दिशा निर्देशों के उत्ते SHO साहब ते होर SI जगदीश सिंह ते IO जिहड़े इन्हां दी टीम बनाई गई सी, जिन्हां ने जिहड़ी बड़ी डंगियाई ना इहदी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन करके, तो ये संबंध में जिहड़ा वा एक दोषी जिहड़ा जोगा सिंह उर्फ जोगरा सिंह भंगाली कलां दा, साजन उर्फ बंटी जजियाणी दा, तो ये नाल ही जिहड़े आ कबाड़िया रजिंदर कुमार उर्फ काका, तो एक सेवा सिंह जिहड़ा वा चौहान नूं गिरफ्तार किया वा, जिहड़ा जोगा सिंह ते साजन आ इन्हां मन्निया भी ये इन्हां ने होर भी जिहड़े आ कई थावां दे उत्तों मोटरसाइकिल जिहड़े चोरी वख-वख थावां तों कीते सी, जिहदे संबंध दे विच जिहड़े 3 मोटरसाइकिल इन्हां दे कोलों होर चोरी दे बरामद कीते गए आ, ते जिहड़ी इन्हां ने घरोटा मोड़ दे उत्तों वारस मसीह दी जिहड़ी कार खोही सी, इन्हां ने गांह जिहड़े कबाड़िया रजिंदर कुमार ते सेवा इन्हां नूं जिहड़ा कादियां ने दुकान आ उत्थे इन्हां ने 40,000 रुपये दे विच वेच दित्ती सी, जिन्हां ने अग्गे जिहड़ी कार दे जिहड़े आ स्पेयर पार्ट कट वढ के ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਬੰਪਰ ਵਗੈਰਾ ਕਾਰ ਦਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹੋਰ ਟਰੇਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੰਟੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਆ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਗਾਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? खबर मध्य प्रदेश से है, जहां हरई नगर परिषद के लचर व्यवस्थाएं, जिसमें विगत 6 माह से पेयजल संकट समस्या, प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार, पट्टा वितरण, स्वच्छता अभियान क्रय की गई है, सामग्री डीजल बिलों में धांधली और कई मुद्दों पर आज युवक कांग्रेसी और नगर वासियों ने अमरवाड़ा SDM और तहसीलदार को ज्ञापन देकर समस्याओं को हल करने और प्रभारी CMO को तुरंत हटाने को लेकर हर्रई नगर में हजारों युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के सामने पानी का मटका तोड़कर नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। तत्पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आश्वासन देने पर आंदोलन को समाप्त किया गया है। अभी आप सब जो धरने के लिए आए हैं, अभी डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, आपके जो जो डिमांड है जैसे पानी नहीं मिलना है या फिर आवास में जो आपके आरोप लग रहे हैं कि आप ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, दिक्कतें कही जा रही हैं या भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं तो पट्टों के जो आपका डिमांड है वो सुना अभी मैंने। पानी की तो देखिए बात मैं भी समझता हूँ, मेरे घर में अगर पानी नहीं आता है तो मुझे भी लगता है कि क्या हो रहा है, फिर मैं भी कॉल करता हूँ 4 लोगों को। तो आप पानी की डिमांड में समझता हूँ और मुझे पता चला है कि जो फीडर है सप्लाई एक जगह से हो रहा है, वहाँ से अगर कैपेसिटर लग जाएगा तो इसका निराकरण भी हो जाएगा, इसका हम लोग खुद देख रहे हैं, कार्यरत भी हैं। दूसरी बात, जो पट्टे फाइनलाइज हैं, जो पट्टे पूर्ण रूप से स्वीकृत हैं, वो पट्टे मेरी नज़र में अगर कोई शासन का निर्देश नहीं है, आदेश नहीं है अगर कुछ, तो पट्टे मेरी नज़र में अगर बांटे जा सकते हैं, कानूनी रूप से दिए जा सकते हैं, तो मैं खुद देख के वो मैं बंटवा दूंगा पट्टे। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर देखिए कानूनन रूप से वो पूरी तरह से मुमकिन है तो मैं खुद देख के वो करवा दूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। दूसरा, कई जगह पट्टों का उल्लेख आ रहा है जो किसी दूसरे मत में छोटे बड़े झाड़ के जंगल में, जिसमें मुझे पता गया कि नहीं दिया जा सकता है,
तो जो कानूनन प्रक्रिया होती है कि कलेक्टर महोदय के पास जाएगा, वो अपने सूझबूझ से निर्णय लेंगे कि क्या उसका मत परिवर्तन करके पट्टे देना है नहीं देना है, वो उसमें निर्णय लेंगे, हम लोग उसमें प्राधिकृत नहीं है। तो अपनी तरफ से जितनी कार्रवाई हो सकती है वो मैं कर दूंगा, इसका मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। सर यहाँ पर 5 साल के कारावास में 18 CMO चेंज हो गए हैं और यहाँ पर अभी तक कार्रवाई में फुल पे CMO क्यों नहीं दिया जाता, इतने धरना के समाधान निकलते हैं। देखिए ये किसान परेशान होता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, कब दिया जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, ये सब मैं नहीं बता सकता हूँ। सीधा सीधा बात है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में उसकी बात मैं कर सकता हूँ, जो नहीं है उसका जवाब जिनके अधिकार क्षेत्र में आप उनसे ले, ठीक है। मेरे उच्च अधिकारी हो, प्रशासक हो, शासक हो, उन सबसे आप जवाब ले सकते हैं, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में मैं उसकी बात कर सकता हूँ। खबर जबलपुर से है, जहां चल रहा है रईसों के रेप के मामले में फंसाकर अवैध वसूली का खेल हनी ट्रैप के जरिए किया जा रहा है। लाखों की कमाई मामला जबलपुर के घमापुर क्षेत्र की रहने वाली बला की खूबसूरत औरत के हनी ट्रैप में अब तक कई लोग फंसकर तबाह हो चुके हैं। हनी ट्रैप गैंग में खूबसूरत महिला और कुछ वकील शामिल है, जो महिला की खूबसूरती की जाल में अमीर और व्यवसायी घरों के युवकों को फंसाते हैं। इसके बाद शातिर महिला रेप का आरोप कर लाखों रुपए की डिमांड करती हैं। अब तक इस गिरोह ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया है। गोरखपुर थाने में इसी प्रकार के 3 से 4 मामले दर्ज कराए गए हैं। उसी ज्ञापन के मामले की जांच के लिए महिला थाने की टीम को कहा गया है कि जो कि पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी मामले की विवेचना जारी है, मामले में जल्द ही अन्य खुलासे हो सकते हैं। सर, खनी ट्रैप का मामला आया है, किस तरीके से पूरा मामला है? कल सिंधी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कि ये प्रतिवेदित किया गया था कि जिनकी तरफ से FIR थाना गोरखपुर में हुई है, उन कंप्लेनेंट के द्वारा पहले भी शायद 3 से 4 FIR इसी धारा में पंजीबद्ध कराई गई है और एक विस्तृत उन्होंने एक शिकायत प्रतिवेदन दिया था, जिसकी जांच थाना प्रभारी महिला थाना और उस केस की विवेचना भी थाना प्रभारी महिला थाना कर रही हैं, और जो भी उसमें उन्होंने तथ्य उसमें उल्लेखित किए हैं उसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और जो सही कार्रवाई है वही होगी। कौन शामिल है इसमें सर? एडवोकेट्स के भी कुछ नाम आ रहा है, महिला एडवोकेट्स है, कुछ और भी नाम आ रहा है, किस तरीके से? अभी तक जो जांच में अभी जांच ही इसकी चल रही है। बेसिकली उन्होंने अभी तक हमको सिर्फ एक आवेदन कल प्राप्त हुआ था कंट्रोल रूम में, जिसमें कि सिंधी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया था, उसी ज्ञापन की जो है अब सूक्ष्मता से जाँच की जाएगी, फिर कार्रवाई की। खबर इटावा से है, जहां विश्व क्षय रोग दिवस पर आज से जनपद के 700 टीबी रोगियों को गोद लेने का अभियान शुरू किया गया है। अभियान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने 15 क्षय रोगों से ग्रसित बच्चों को गोद लिया है। विकास भवन में हुए कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने गोद लिए बच्चों को सांकेतिक तौर पर पुष्टाहार वितरित किया। गोद लेने के अभियान के तहत सरकार के द्वारा दिए जा रहे 500 के अनुदान के साथ ही गोद लेने वाला व्यक्ति प्रति माह रोगियों को 500 रुपए का पुष्टाहार मरीज के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुल 893 क्षय रोगों से पीड़ित मरीज हैं, जिसमें शासन के द्वारा 700 लोगों को गोद लेने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया गया है। विश्व क्षय दिवस पर कितने पेशेंट हैं, कितने बच्चे, कितने महिला, कितने पुरुष, और इन गोद लेने की प्रक्रिया में कितने गोद लिए जा चुके हैं? अभी तक 1 जनवरी से 24 मार्च तक हमारे जनपद में अभी तक 893 लोग टीबी से ग्रसित पाए गए हैं, इनकी जांच की गई है। उसमें 93 बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं और 268 महिला हैं जो 18 वर्ष से ऊपर की हैं, 532 पुरुष हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। इसमें से जो 93 बच्चे हैं उसमें से 15 बच्चे हम लोगों ने गोद लिए हैं, इसमें मैं स्वयं हूँ, हमारे ACMO हैं, डिप्टी CMO हैं, हमारे कुछ बाबू लोग हैं। इस तरह से हम लोगों ने किसी ने एक बच्चे गोद लिए हैं। इस तरह से आज से अभियान शुरू कर दिया गया है, ये हमारे सारे विभाग के सभी लोग लेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अन्य जितने भी लोग हैं जो इनके मतलब इसमें सुधार लाना चाहते हैं, वो भी इन जो बच्चे हैं टीवी के, उनको वो सभी लोग गोद लेंगे। गोद लेने में क्या सुविधाएं आप लोगों की तरफ से क्या दी जाएंगी और कब तक इनको, जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाए क्या, कब तक? गोद लेने में यह है कि सरकार की तरफ से जब तक इनका ट्रीटमेंट चलता है 500 रुपये तो सरकार की तरफ से इनको डायरेक्ट इनके खाते में दिए जाते हैं। बाकी जो गोद लेता है उसको पर बच्चे के हिसाब से कम 500 रुपये का उसको पुष्टाहार देना होता है। उसमें गुड़ है, चना है, लाई है,
और प्रोटीन एक्स का डब्बा वगैरह है, इस तरह कम से कम 500 रुपये का आपको उसमें खर्च करना पड़ेगा उसके खान पान में प्रतिमा। अच्छा सर, ये जितने बच्चे हैं ये सभी को लेने की अनिवार्यता है या 700 सभी को? नहीं, बच्चे तो सारे के सारे लेने हैं और 700 हमारा पूरा फिगर है कि उसमें महिला भी आ जाए और पुरुष भी आ जाए। टारगेट 700 का है सर। अभी एक परसों एक व्यक्ति ने टीवी की समस्या से ग्रस्त होने की वजह से आत्महत्या कर दिया था, मामला सामने आया, तो क्या ऐसी लापरवाही हुई है कि चीज़ें सही नहीं? हाँ नहीं, उसमें ये होता है कि कुछ लोग जैसे ट्रीटमेंट लेता है और बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो वो दवाइयाँ रेजिस्टेंट हो जाती हैं, रेजिस्टेंट हो जाने के बाद में फिर उनकी दोबारा जाँच होती है, फिर उनके दूसरी तरह की दवाइयाँ चलती हैं, तो जो ये बिगड़े हुए केस होते हैं जो बार बार ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दवाइयाँ रेजिस्टेंट होती हैं, अपना काम करना बंद कर देती हैं और उनको फिर ये दिक्कत आती है।